हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे SHM के कुछ प्रॉब्लम, टिपिकल टाइप प्रॉब्लम, जिसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हम लास्ट ख़त्म करने के पोजीशन पे हैं। देखिए, फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट। थ्योरी तो हम आपको इसके सारे बता दिए, लेकिन अब उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करके देखेंगे क्या आपको थ्योरी और क्वेश्चन के बीच का अप्रोच समझ में आया है। और अगर अप्रोच समझ में आया है तभी आपके लिए ये फ़ायदा है, वरना सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनना चाहिए, चाहे कोई भी बुक हो। हम तो एज ए स्टैंडर्ड बुक SC वर्मा लिए हैं। आप कोई भी बुक से बनाए और अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो समझिए कि आपके लिए थ्योरी काम कर रहा है। तो हम देखते हैं इसके SC वर्मा के कुछ क्वेश्चन लेके और जो हम थ्योरी बनाए उससे अप्रोच में लिंक बनाने का। अब इसमें आपसे पूछा है, पहला वाले पार्ट में आपसे एम्पलीट्यूड पूछा है, दूसरा वाले पार्ट में आपसे टाइम पीरियड पूछा है। ये आपको कैपिटल M दिया हुआ है, ये आपको स्मॉल M दिया हुआ है और कह रहा है कि x नॉट स्ट्रेच्ड किया गया है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहला मेथड से जब इसको हम अप्रोच करते हैं तब देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में इस टाइप से आपको दिया गया है, जब हम इसमें एक्स नोट जो है क्या करेंगे, स्ट्रेच्ड, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है, एक्स नोट से इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच्ड करेंगे। तो देखिए क्या क्या होगा, और आपको दे दिया है कि यहाँ का म्यू का वैल्यू आपको क्या है, जीरो दे दिया है, मतलब इसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आपको ये दे दिया है कि फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। आपसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है आपसे कि इसका एम्पलीट्यूड बताइए, मतलब इस मास का, ये दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड बताइए। और दूसरा आपसे पूछा है टाइम पीरियड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये SC वर्मा का है, 30 नंबर SC वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका ये 30 नंबर प्रॉब्लम है। अब इसको देखिए किस तरीके से अप्रोच करते हैं, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम थ्योरी सारे पार्ट कवर कर लिए हैं, लेकिन थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपसे प्रॉब्लम नहीं सोल्व होता है, थ्योरी का कोई एग्जिस्ट नहीं। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या हम लगा सकते हैं, तो शुरू करते हैं। इसमें पहले एम्पलीट्यूड से पार्ट ए ही हम पहले सॉल्व करेंगे। लेट बी x1 एंड x2 बी द एम्पलीट्यूड ऑफ x1 किसका है, मास स्मॉल m का, एंड x2 किसका है, कैपिटल m का। अब ध्यान से देखिए, लेट बी द x1 एंड x2 आर द एम्पलीट्यूड ऑफ मास m एंड कैपिटल m। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ब्लॉक एंड कार, इसको कार क्वेश्चन में मेंशन किया है, ये आपका कार है जिसका मास कैपिटल m है। तो ध्यान से देखिए एम्पलीट्यूड लिए। अब इसमें पहला आपको क्या लगेगा, पहला अप्रोच आप क्या लगा सकते हैं, पहला आप अप्रोच ये लगा सकते हैं कि जब आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस दे दिया है म्यू बराबर जीरो, तो आपका एक अप्रोच, सबसे पहला अप्रोच आपको देखते ही लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, सबसे पहला। तो पहला हम यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या पता चलेगा आपको, M1 इसका M1 आप स्मॉल m का ले लीजिए, एक का m एक का कैपिटल m है, तो स्मॉल m का m इंटू इसका समझिए कि एम्पलीट्यूड हम ले लिए x1 एग्जैक्टली कैपिटल m इंटू x2। तो यहां से आपका एक इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन में होता क्या है, मोमेंटम, तो आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि देखिए v बराबर आपका होता है ओमेगा इंटू ए,
तो ध्यान से देखिए, वी वही होगा, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से मास के जगह पे आप ऐसा भी समझ सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन तो होता है ये एम इंटू वी टू, ये समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब ये इस प्रॉब्लम में आप समझिए कि जब ये स्ट्रेच्ड करेगा तो इसमें एक और एनर्जी आएगा, वो आएगा स्प्रिंग एनर्जी, फिर आपका आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी एनर्जी आएगा उसको हम एक एक करके मेंशन करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए दो ही है आपके पास, पूरा SHM में हम दो ही मेथड यूज करेंगे, एक एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि आप जब फ्रिक्शनलेस सरफेस आपको दिया हुआ है तो मतलब मोमेंटम कंजर्व है, जब मोमेंटम कंजर्व है तो आप ये लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये इधर इस पोजीशन पे कुछ ऐसा इसका पोजीशन बनेगा, जब हम एक्स इसको स्ट्रेच्ड करेंगे, समझिए कि इसको एक्स स्ट्रेच्ड कर चुके हैं, यहीं तक है, इसको एक्स स्ट्रेच्ड किए हैं एक्स नॉट, तो क्या होगा, फिर वापस से जब हम इसको खींच रहे होंगे, यानी कि एक्स स्ट्रेच्ड, जब स्ट्रेस्ड किए उसके बाद क्या आएगा, ये वापस अपने पोजीशन को एक्वायर करना चाहेगा। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जब डिस्टर्ब होता है तो वो हमेशा क्या करता है कि नेचुरल लेंथ के तरफ आएगा। तो पहला इक्वेशन तो हम ले आए मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एक्स नोट, ये आपको एक्स नोट दिया हुआ है कि इसको एक्स नोट से खींचेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये इसका हम ले लिए हैं, क्या लिए हैं, एक्स वन, ये x1 है एग्जैक्टली, इसके वजह से इसका x1 एक्चुअली में ये पूरा x0 तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि x0 जो दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x0, विथ रिस्पेक्ट x0 जो है वो हमेशा कार के रिस्पेक्ट में दिया गया है, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखिए, जब हम ये x1 जाएगा, क्योंकि अलग अलग दो मोशन यहाँ होगा, इसके वजह से फर्स्ट वाले मोशन के वजह से सेकंड में भी मोशन आएगा, तो यहाँ पे कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि अब जब भी हम बात करेंगे पूरा फिजिक्स में, तो याद रखिएगा किसी के रिस्पेक्ट में बात किया जाता है। तो ये एक्स वन गया और ये आगे, सोचिए कि ये अगर आगे गया, इसको आगे स्ट्रेच किए तो ये पीछे आया, ये मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो ये अगर आए आगे आया फिर इस पोजिशन में जाते हैं तो फिर ये पीछे आएगा, इसका वेलोसिटी, ये अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर करना चाहेगा। और ये क्या होगा, जब ये हमेशा एक दूसरे के ब्लॉक, ब्लॉक एंड कार, ये आपका कार है और ये आपका है ब्लॉक, दोनों के बीच में हमेशा एक एक राइट साइड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड जाएगा, और इस टाइप से आपका मोशन चलता रहेगा। और यही SHM है, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि एम्पलीट्यूड बताइए और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है उसका टाइम पीरियड निकालिए। तो पहला इक्वेशन है यहाँ पे, कार एंड ब्लॉक एंड कार मूव्स अपोजिट टू ईच अदर, मूव्स अपोजिट टू इच अदर, एक दूसरे के अपोजिट ये मूव करेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें एक्स नोट एम्पलीट्यूड आया तो ये अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर करना चाहेगा, और एग्जैक्टली ये अगर इस डायरेक्शन में आएगा, वी वन समझिए कि इधर है तो वी टू इधर होगा, इसमें इसमें वेलोसिटी आगे की तरफ आएगा। ये अगर एक्स नोट से इसका एम्पलीट्यूड है तो कैपिटल एम का एम्पलीट्यूड क्या लिए हम, एक्स टू, ये एक्स टू से आगे बढ़ेगा, यानी कि मोशन कुछ ऐसा होगा, एक्स टू, एक्स टू, एक्स टू ये आगे आएगा एक्स टू। तो ध्यान से दीजिए, नेट स्ट्रेस्ड आपको दिया हुआ है एक्स नोट, इस ये दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में, ये दिया हुआ है आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में, और अर्थ में कौन सा है, कार, कार के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये समझिए कि एक्स वन इसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, कार के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हर बार जब भी हम पूरा फिजिक्स में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो आपको दिया हुआ है x1 जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही है किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में।
ध्यान से देखिए, आपको एक्स वी नोट दिया हुआ है, एक्स नोट दिया हुआ है, वो आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, एक्स नोट विथ रिस्पेक्ट टू कार, या यहाँ पे हम अर्थ के रिस्पेक्ट में है तो कार को ही ले लेते हैं, तो स्ट्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार के रिस्पेक्ट में है, कार के रिस्पेक्ट में कितना है, कार के रिस्पेक्ट में ये कार को क्या लगेगा, कार को लगेगा कि मात्र ये x1 डिस्टेंस ये कवर करके और इस टाइप से ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये करता रहेगा, और ये लगेगा कार को, फिर कार जो है, कार में भी मोशन आ गया, तो कार जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखिए स्ट्रेस्ड सारा हम निकाल रहे हैं, एक्स नोट जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ये एक्स वन जो है किसके रिस्पेक्ट में है, ये समझिए कि एक्स नोट जो है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हमको दिया गया है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये जो है मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है एक्स नोट, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्स नोट स्ट्रेस्ड की है, मतलब एक्स नोट इस उसको, लेकिन अब मोशन एक्चुअली में M1 और M2 दोनों में मोशन आ गया है, तब निकालेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में, जब पहले निकालेंगे इसका कार के रिस्पेक्ट में, फिर कार का निकालेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये जो है पूरा फिजिक्स में चलेगा कि आपको एब्सोल्यूट जब भी निकालना हो तो इसका इसके रिस्पेक्ट में, फिर इस कार का अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकालेंगे, ये X1 जो है ये है इतना स्ट्रेस्ड हो रहा है ब्लॉक का कार के रिस्पेक्ट में, BC मतलब ब्लॉक का कार के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस X2 भी हो रहा है, ये अगर आगे जा रहा है तो एक दूसरे के पीछे आ रहा है, X2 भी स्ट्रेस्ट हो रहा है, ये आगे आएगा और ये पीछे आएगा, क्योंकि ये अपना नेचुरल लेंथ गेन करना चाहता है, और ये आगे जाएगा, एक दूसरे के यहाँ लिखती है दूसरे, एक दूसरे के अपोजिट हमेशा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे X2 क्या है, कार का अर्थ के रिस्पेक्ट, तो ये आ गया आपका एक रिलेशन यहाँ से आया, मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपको पता है, यहाँ से एक रिलेशन आया और एक रिलेशन यहाँ से, आपको क्या निकल जाएगा, अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड, अब ध्यान से देखिए, अब इसको यूज करते हुए क्या आ गया, एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये क्या है अर्थ के रिस्पेक्ट में, जो भी आपको दिया होता है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये आपको कोई भी क्वेश्चन में मेंशन किया, मेंशन आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो भी आपको दे रहा है वो एब्सोल्यूट दे रहा है, एब्सोल्यूट दे रहा है मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में दे रहा है, और इसके वजह से ये जब स्ट्रेच्ड हुआ तो इसमें भी मोशन आएगा, इसमें भी वो मोशन आ जाएगा, जब दोनों मोशन हो रहा है तो वहां पे रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट काम करता है, जो कि आपको प्रोजेक्टाइल में पढ़ना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए x नॉट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, अब एक आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है, दो ही तो है रूल, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, दो ही पूरा चैप्टर में हम लगाएंगे, बस यही रूल है जो कि आपको वर्क पावर एनर्जी से लाएं, अब इसमें आप पुट कर दीजिए x1 प्लस x2, ये आप समझिए कि एक्स नॉट जो है, ऐसे भी समझिए एक्स नॉट जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में, x1 जो है कार के रिस्पेक्ट में है, अब कार का भी तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसके वजह से इसमें भी तो मोशन आ जाएगा, तो पहला निकाले x1 जो है ये क्या है ब्लॉक का कार के रिस्पेक्ट में, और ये x2 क्या है कार का अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो क्या हुआ x1 प्लस x2, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपको रिलेटिव मोशन है, ये पूरा फिजिक्स में आपको काम आएगा, एक बार आप समझ लीजिए कैसे निकालें, एक्स नोट अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये देखिए x1 जो है ब्लॉक का कार के रिस्पेक्ट में, फिर कार का अर्थ के रिस्पेक्ट में, अब आपको मोमेंटम कंजर्वेशन पता है, बस पुट कर दीजिए M1 X1 इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू X2, आपसे क्या पूछा है एम्पलीट्यूड, अब ध्यान से देखिए यहां से हम लगा देंगे, यहां से आप एक इक्वेशन किसी के भी टर्म में लीजिए, X1 या X2 के टर्म में, किसी के भी टर्म में क्या फर्क पड़ता है, X1 के टर्म में अगर आप लीजिएगा तो M2 X2 दैट इज स्मॉल m, अब ये पुट कर दीजिए उस इक्वेशन में, आपको X0 दिया हुआ है X0, अब बस पुट कर दीजिए X1 का वैल्यू क्या है, X1 का वैल्यू आया M2
x2 by small m plus x2, यहाँ से x2 का वैल्यू आ जाएगा। अब एक का भी वैल्यू आया तो दूसरा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब तो कुछ नहीं नहीं आपको, अब क्या है मैथ का क्वेश्चन ही बन गया, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ से x2 आपको निकल जाएगा, x2 जब आप निकालिएगा तो x2 यहाँ से भी कॉमन, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल m अपॉन स्मॉल m प्लस वन, दैट इज इक्वल टू x0। और यहाँ से अगर आप वैल्यू x x2 का निकालिएगा तो x2 का सिंपल हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x2 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कैपिटल m स्मॉल m इंटू एक्स नॉट, एक्स नॉट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और ये आ जाएगा आपका, दोनों में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ये आपका आ गया। किसका एम्पलीट्यूड आया है, ये आया आपको एम्पलीट्यूड कार का, तो कार का एम्पलीट्यूड भी आपसे पूछा है, एग्जैक्टली एक का निकला है तो दूसरे का भी रख दीजिए, यही वाला एक बार x1 का वैल्यू आप रखें, एक बार x2 का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से x1 का वैल्यू रखें, एक बार x2 का रख दीजिए, तो वहाँ से x1 आ जाएगा। और या तो आपको पता है x0 is equal to x1 plus x2, एक का वैल्यू आपको पता है तो दूसरे पुट कर दीजिए x2, तो x1 यहाँ से निकल जाएगा। अब निकालिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आ गया, ये क्या आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ कार, ये आपका आ गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कार, ये कार का आपका एम्पलीट्यूड आ गया। एग्जैक्टली आपको इसमें पुट कर दीजिए, आपका एक्स वन भी आ जाएगा। तो क्या यूज किए, सिंपल सा है, मोमेंटम कंजर्वेशन, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन आपको एम्पलीट्यूड बहुत ही आसानी से आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, आप कुछ रहा नहीं क्वेश्चन में, अब इसमें पुट कर दीजिए एक्स वन एक्स नॉट एक्स वन, जब एक्स टू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका एक आ जाएगा एक्स वन एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन हमको चाहिए तो एक्स वन क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स टू एम एक्स नॉट कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। अब इसको घटा दीजिए, आपका एक्स वन आ गया, मतलब ये आपका आया एम्पलीट्यूड ऑफ कार, अब ये आपका आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ x नॉट कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस m अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m, यहाँ से आपका आ जाएगा x1 का वैल्यू x नॉट इज इक्वल टू कैपिटल m अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ये आपका क्या आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ x1 हम इसका लिए थे स्मॉल m ब्लॉक। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट आपसे यही पूछ रहा था, अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। तो देखिए, एक जगह हम क्या लगाएं मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरे जगह हम क्या लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, दैट्स द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में आपको बस समझना है कि एक्स स्ट्रेस्ड की है, ये समझना बहुत ही ये क्वेश्चन में ईजी था, बस ये समझ जाइएगा, बाकी तो मोमेंटम कंजर्वेशन सबको पता होता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस से मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, ब्लॉक जो है ये वापस से अपना नेचुरल लेंथ में आना पसंद करेगा, नेचुरल लेंथ में, ये इस टाइप से मोशन करते हैं नेचुरल लेंथ में, तो ये अगर आगे आया तो ये पीछे जाएगा, जैसा कि कहें कि दोनों का मोशन एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो इस टाइप से चलता रहेगा। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज टाइम पीरियड, वो भी इसी टाइप से निकालेंगे। अब आइए इसके पार्ट बी को देखते हैं। अब पार्ट बी में आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड तो हम इस एसएसएम का होगा, अब हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड जब निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यही वाला मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, यही दो पॉइंट हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम कैपिटल एम एक्स टू, और यहाँ पे ध्यान से देखिए वी टू, वी टू तो अर्थ के रिस्पेक्ट है, अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम एक बार लिख देते हैं। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू
कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये वाला होता है, ये इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्योंकि ये हमारा क्या आएगा अर्थ के रिस्पेक्ट में बोलिए या रोड के रिस्पेक्ट में, क्या है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार और वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ध्यान से देखिए ये वाला होगा, ये जो होगा इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ले लेते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिए इसमें हम किस तरीके से यूज करेंगे, v2 तो क्या है कार का तो अर्थ के रिस्पेक्ट में है ही, ये वाला हमेशा याद रखिएगा, ये यहां भी हम देखें ये क्या है अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पहले कार के रिस्पेक्ट में है फिर कार का हम फिर देखते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए यहां पे v1 जो होगा v1 आगे आएगा अपना नेचुरल लेंथ को ये गेन करना चाहेगा, ये नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा और ये इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ये आगे आना चाहेगा क्योंकि हम इसको स्ट्रेच्ड किए हैं, नेचुरल लेंथ को हम डिस्टर्ब किए हैं तो ये नेचुरल लेंथ पे आना पसंद करेगा। अब ध्यान से देखिए अब इसका वेलोसिटी क्या होगा और एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करिएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये तो हम यूज किए थे एम्पलीट्यूड वाला, एम्पलीट्यूड इसमें एक्स वन है इसमें एक्स टू है, एक्स वन प्लस एक्स टू वहां से आप निकाल लें। अब यहां पे हम लगाएंगे स्मॉल एम का वेलोसिटी, तो ध्यान से देखिए वी वन, वी वन किसके रिस्पेक्ट में है, वी वन है कार के रिस्पेक्ट में और कार कितने से आगे जा रहा है, कार जा रहा है आपका वी टू से आगे, तो नेट वेलोसिटी अगर हम निकालें तो इसका क्या हो जाएगा वी वन, वी वन इसका है किसके रिस्पेक्ट में कार के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, फिर कार का है अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है आपका इसको वी टू ले लीजिए, ये आपका वी टू, तो यहाँ पे माइनस वी टू कर लेते हैं क्योंकि ये जो है कार का अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका नेट वेलोसिटी आ गया। और उसके बाद कैपिटल एम वो तो अर्थ के रिस्पेक्ट में रोड पे चल रहा है तो रोड के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका वी टू, यहाँ से एक रिलेशन और आगे बस इसी को हम ट्रांसफर कर दिए, जो वी वन है यहाँ पे वी वन ना होके एम इंटू वी वन माइनस वी टू हो गया क्योंकि वी वन जो है वो कार के रिस्पेक्ट में और कार जो है इसके रिस्पेक्ट, तो यहाँ एक और रिलेशन आपको आ गया। अब हम एक ही चीज यूज करेंगे, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किए, अब हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, दो ही चीज है जो हमेशा आप यूज कर सकते हैं, कब जब वो फ्रिक्शनलेस होता, हर जगह नहीं, ये रूल आप तब लगा सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सरफेस जो है हमेशा फ्रिक्शनलेस हो तब आप ये यूज कर सकते। अब हम निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, और या ये भी समझिए एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो कहीं से भी समझिए तब भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज जीरो, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्वेशन अब लगा सकते हैं कब जब एफ नेट समझिए एक्सटर्नल, तो यहां से हमने एनर्जी जब लगाइएगा तो क्या होगा इसमें मोशन आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका वी क्या है वी इसका है वी वन माइनस वी टू, क्योंकि वी वन से ये इधर आ रहा है लेकिन ये जो कार है वी टू से इधर जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी क्या हुआ जिसको आप कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, अगर इसका रिलेटिव वेलोसिटी पूछें, रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या होगा v1 से ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो v1, और इसको v2 इसका जो सरफेस है वो राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड आ रहा है वो राइट साइड जा रहा है, तो v1 माइनस v2 तो क्या हो जाएगा हाफ स्मॉल एम ब्लॉक का वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखिए अब इसमें एक और एनर्जी है, देखिए स्प्रिंग एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर
कि x क्या होगा, x1 प्लस x2 या x0 उसको लिख लीजिए, x1 प्लस x2 इसको डायरेक्ट आप x0 लिख सकते हैं, प्लस एक और एनर्जी, इसके वजह से इसमें भी मोशन हुआ, इसका क्या हो जाएगा, हाफ m कैपिटल m, ये तो स्मॉल m का सारा चला, ये आपका स्प्रिंग एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, और ये आपका हो जाएगा v2 2, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि f एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये कांस्टेंट होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसमें सारे टाइम एनर्जी कंजर्वेशन दो ही चीज है जो आप हमेशा लगा सकते हैं, कब, जब आपको मेंशन क्वेश्चन में रहे कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो अब लगाइए, अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, क्वेश्चन सिंपल हो गया, आप इसको थोड़ा सा इजी कीजिए और आपको क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा, तो हाफ एम v1 माइनस v2 का वैल्यू आप अगर यहां से निकाल लें, हम निकाले थे m v1 माइनस v2, m v2, यहां से आप अगर v1 माइनस v2 का वैल्यू आप अगर निकाल पाए तो क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2, यहां से आप निकाल लीजिए v1 माइनस v2, ये v1 है ये v2 है, v1 माइनस v2 आपका डायरेक्ट हो जाएगा कैपिटल m v2 अपॉन स्मॉल m, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये अब इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन का आप यूज करके, इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन अब इसमें पुट कर दीजिए, v1 माइनस v2 का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, कैपिटल m v2 बाय स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस हाफ के x0 स्क्वायर, x1 प्लस x2 डायरेक्ट आप यहां से, प्लस हाफ एम कैपिटल एम v2 स्क्वायर, ये आपका है कांस्टेंट। अब यहां से देखिए, इसको अगर थोड़ा सा आप इजी करें तो आपको और भी इस SHM का आपको टाइम पीरियड आएगा, और दूसरा आप थोड़े से इसमें डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ये आप ये समझिए, अब आपको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों साइड इसको कुछ देर के लिए x1 प्लस x2 ही रखिए, x1 प्लस x2 बोथ साइड डिफरेंशिएट, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम। ध्यान से देखिए, जब भी आप फिजिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम बनाइएगा तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, इसको ध्यान से देखिए, हाफ कैपिटल एम जो है कांस्टेंट टर्म जो होगा वो आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से एम से एम कैंसिल, तो एक नीचे स्मॉल एम रहेगा, कैपिटल एम स्क्वायर बाय स्मॉल एम, तो यहाँ से आ जाएगा डी v2 का स्क्वायर बाय dt, डिफरेंशिएट या डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अब इसको कीजिएगा x1 प्लस x2 प्लस हाफ जो कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर रहेगा, और आप डिफरेंशिएट कीजिए x1 प्लस x2, ध्यान से देखिए इसमें पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले एक बार लिख देते हैं उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस हाफ कैपिटल एम v2 स्क्वायर, जब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टाइम पीरियड के लिए हमको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी को हम
इसमें कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सेलरेशन में, और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको जब आप यूज कीजिएगा तो हाफ, कैपिटल एम स्क्वायर बाय स्मॉल एम, अब इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टू वी टू, टू वी टू हो जाएगा, और ये पावर का डिफरेंशिएशन, और जब इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी वी टू बाय डी टी। इसको हम क्या लिख देते हैं, ए टू। वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डी वी टू बाय डी टी, ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखिए डी एक्स बाय डी टी, ये एक्चुअली में हो जाता है वेलोसिटी, और डी वी बाय डी टी ये हो जाता है एक्सेलरेशन। अब इसको सिंपली आप यूज कीजिए, जब इसका आप कीजिएगा डिफरेंशिएशन तो के, पहले पावर का करते हैं, पावर का कीजिएगा तो टू आ जाएगा बाहर, एक्स वन प्लस एक्स टू, ये पावर का डिफरेंशिएशन। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाले, इसका जब कीजिएगा तो डी एक्स वन बाय डी एक्स टू, एग्जैक्टली इसका भी हो जाएगा डी एक्स टू बाय डी टी। फिर आपका इसका हो जाएगा हाफ कैपिटल एम, पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू वी टू, जब इसका करेंगे डी वी टू बाय डी टी, और बराबर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। अब इसको बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाइए जब फ्रिक्शनलेस सरफेस हो। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए, टू से टू कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, कैपिटल एम स्क्वायर बाय स्मॉल एम दैट इज इक्वल टू, टू से टू कैंसिल हो गया, और इसको लिखेंगे वी टू इन टू, ये हो जाएगा ए टू एक्सेलरेशन में, या डी एक्स बाय डी टी दैट इज वी, याद रखिएगा डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये आपका हो जाता है एक्सेलरेशन। तो ये आप हमेशा याद रखें, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अब इसको आप बस खाली पुट करते जाइए, देखिए टू से टू कैंसिल, के एक्स वन प्लस एक्स टू, और इसका हो जाएगा आपका क्या, इंटू वी वन प्लस वी टू, प्लस आपका आ जाएगा हाफ, ये टू से टू फिर कैंसिल, सारा टू कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा कैपिटल एम वी टू इंटू ए टू दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखिए, इस जगह पे अब हम पहुंच गए। अब इसको हम किसी तरीके से यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब थोड़ा सा अगर इसको इजी कीजिएगा, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से। अब ये दोनों को आप क्या कीजिए, सिंपली ऐड कर दीजिए, इसको आप सिंपली ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, वी टू एक्स टू दोनों कॉमन है, वी टू ए टू और कैपिटल एम तीन कॉमन है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल एम, सिर्फ कैपिटल एम बचेगा और नीचे स्मॉल एम प्लस वन दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको राइट साइड ले लेंगे तो माइनस के एक्स वन प्लस एक्स टू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट अब वी वन प्लस वी टू। अब ध्यान से देखिए, वी वन प्लस वी टू, वी वन माइनस वी टू आपको पता है, तो यहाँ से वी वन इसका रिप्लेस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स नॉट, और यहाँ से आ जाता है वी वन प्लस वी टू। अब इसको भी किसी तरह देखिए, इक्वेशन बहुत सारा आएगा, अब ये मैथ का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन बस उतना ही था कि मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किए। अब ये किसी तरीके से तीन चार इक्वेशन है, बस उसको यूज करके आप बनाइए। अब यहाँ से आपका आ जाएगा ए वन ए टू, अब इसको यूज करके, अब ध्यान से देखिए,
इसको इजी कीजिएगा और आपको क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, एक इसी का कंसेप्ट हम बताए थे जब हम लेक्चर ले रहे थे, तो क्या लाए थे, रिड्यूस्ड मास सिस्टम, रिड्यूस्ड मास। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमने इतने टाइम खर्च किए उसके बाद हमारा आंसर आया, लेकिन इतने टाइम आपको एग्जाम में होता तो नहीं है। तो क्या करते हैं, आप हमेशा की तरह आप यूज कीजिएगा, इसमें हम ट्रिक बताए थे आपको कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको कहते हैं रिड्यूस मास। जब हम लेक्चर ले रहे थे तो शायद उसमें हम बताए होंगे रिड्यूस मास, उससे ये प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाता है। रिड्यूस मास म्यू उसको दिए थे कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये। अब इसको अगर यूज कीजिएगा तो देखिए टाइम पीरियड डायरेक्ट आ जाएगा, टू पाई म्यू बाय के, सब कुछ पता है, म्यू पुट कर दीजिए इस, ये समझिए कि सुपर ट्रिक है आपके लिए, इतना कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस पॉइंट पे पहुंच जाइए, आपको अब सब कुछ पता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई म्यू बाय के, म्यू भी पता है, के भी पता है, बस पुट कर दीजिए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस के, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट टाइम पीरियड, इतना कुछ भी करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिए। इसको कहते हैं कंसेप्ट। थ्योरी पार्ट से आप देखें तो ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन था, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, बाकी आपको ये वाले से ही भी मिल जाएगा, लेकिन ये देखिए कितना लेंदी है और ये कितना इजी है, तो आप इससे अप्रोच कर सकते हैं और इससे आप ध्यान दीजिए एक्स टू के टर्म में सारा ले आइए, वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है। हम आपको प्रोसेस दोनों बताएं, मेथड वन और मेथड टू, ध्यान दीजिए ये आपका आ जाता है एक्स नॉट, एक्स नॉट को आप एक्स टू के टर्म में लिख दीजिए, एक्स नॉट को क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, पुट कर दीजिए डायरेक्ट, एक्स नॉट आएगा ये एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स नॉट, इसको एक्स टू के टर्म में, सारा एक्स टू के टर्म में आ जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब आपको आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है कि ये आपको एक्सेलरेशन निकल रहा है, एक्सेलरेशन आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस के एक्स, तो वहाँ से आपको भी निकलने का चांस है, तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको अगर ये रिड्यूस्ड मास सिस्टम वाला कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो आप डायरेक्ट इसको कर लीजिए, और यहाँ से आप x2 का वैल्यू x नॉट के टर्म में x नॉट को आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका रहेगा एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m इनटू x2, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये वैल्यू अगर इस पे पुट कर दीजिए सारा x2 के टर्म में आ जाएगा और इससे आंसर आ जाएगा। यहाँ से v1 v2 है तो v1 को v2 के टर्म में ले लीजिए, वहाँ से आपका सारा a2 के टर्म में आ जाएगा और एक्सेलरेशन यहाँ से दिख रहा है तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है कंपैरेटिवली, ये तो बहुत ईजी है, तो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब देखिए, तीन टाइप का क्वेश्चन है और हर टाइप के क्वेश्चन में आपको निकालना है के इक्विवेलेंट, तीन क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो हम सारे टाइप्स कवर करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका सारा है आपका एचसी वर्मा का, ये नंबरिंग हम बता देते हैं आपको, ये आपका है 21 नंबर प्रॉब्लम और ये आपका है 22 नंबर प्रॉब्लम और ये आपका है 19 नंबर प्रॉब्लम, तीनों को हम एक साथ करेंगे, और भी जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा सारे को हम इसी लेक्चर में कवर करके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन पहला सबका एक ही चीज आपसे पूछ रहा है के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट, किसी का टाइम पीरियड भी पूछा है तो टाइम पीरियड अगर के इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो क्या है, टू पाई एम बाई के हो जाएगा, तो पहले के इक्विवेलेंट निकालना बहुत जरूरी है। देखिए तीनों अलग अलग केस का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब देखिए
इससे हम शुरू करते हैं। इस टाइप का एक प्रॉब्लम शायद हम पहले भी करवाए हो, लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप कीजिएगा उतना सही रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, आपसे इसमें पूछा है, ये है आपका 19 नंबर प्रॉब्लम। आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आपसे ये पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑसिलेशन। ये तीनों क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वे ध्यान से देखते हैं किस तरीके से अप्रोच। अब इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से ड्रॉ किए, हम इसको आगे किए। अब ध्यान से देखिए, ये आपको 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन फर्स्ट को किस तरीके से हम सोचते हैं, अब ध्यान से देखिए, इसका आपको K1 K2 K3 सारा का अलग अलग है, नहीं सारा का सेम है, सारा का सेम है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड निकालना है। जब आपको टाइम पीरियड इस टाइप के क्वेश्चन में निकालना है, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, सारा एक ही है। इसमें ध्यान से देखिए, जिसका अलग अलग है तो K1 K2 अलग अलग है, अब इसमें सेम, और आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड, कुछ भी पूछ सकता है। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, समझ रहे हैं, एक्स डैश। अब सारा को हम इधर ही फोर्स निकालेंगे। अब सोचिए कि ये मास के वजह से mg नीचे लगता है, इसका कैपिटल है, मास है, तो नीचे mg लगा, तो इसके वजह से, अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से थोड़ा सा इस डायरेक्शन में mg इधर लग रहा है, और mg से ये कितना डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये एग्जैक्टली आप इस पॉइंट को आप ले लीजिए, किसी भी तरह से आप इसको ड्रॉ कीजिए, दो लाइन हम ड्रॉ किए, इसको एक्स डैश लिए, इसको हम ले लेते हैं सिंपली वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस। आपको रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालना है, उसके बाद आपको ऑसिलेशन, जो भी क्वेश्चन पूछा है, तो आपको उस क्वेश्चन पे जाने से पहले इसका रिजल्टेंट ऑसिलेशन निकालना है। अब देखिए, mg नीचे लग रहा है, यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो देखिए mg के कारण इसमें mg क्योंकि नीचे लग रहा है, और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहना पसंद करता है, तो नीचे लगता है कि इसको फोर्स लगाएगा, mg फोर्स के कारण ये इस पर फोर्स लगेगा, जिसमें इसमें समझिए कि kx इलोंगेशन हुआ। अब ध्यान से देखिए, के एक्स इलोंगेशन हुआ, और ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप से ये अगर 45 है तो ये भी 45 है। अगर एक इलोंगेशन को, सिंपल सा बात है, एक इलोंगेशन को अगर आप एक्स ले लें इस इलोंगेशन को एक्स डैश वाले पॉइंट पे, तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इन एक्स डैश डायरेक्शन, किधर ले रहे हैं हम, एक्स डैश। ध्यान से देखिए, सब में इसके वजह से इसमें जो है इलोंगेशन, सपोज दैट सब में एक्स हो रहा है, इसमें हम ले लिए, इसमें एक्स ने, इसमें हम एक्स ले लिए, इसके वजह से इसमें इलोंगेशन जो हुआ वो कितना हुआ, इसमें तो कंप्रेशन होगा ना, इलोंगेशन ऊपर वाले में होगा, इसमें कंप्रेशन होगा, तो इसमें कितना से कंप्रेस, एक्स से कंप्रेस किया, किसमें लिए हम, एक्स लिए है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एक्स डैश में लिए है, इसका इलोंगेशन हुआ एक्स, तो इस पे फोर्स कितना लगाएगा आपको पता है, के एक्स इन वाई डायरेक्शन, इन एक्स डैश डायरेक्शन, जो कि 45 डिग्री एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। अब सारा का फोर्स हम इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, आप किसी में भी ले, वाई में भी लीजिएगा तब भी यही आएगा आंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स में लीजिए, वाई में लीजिए, हम ले लिए हैं किस में ले लिए, हम ले लिए एक्स में, तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये अगर एक्स से, अब ऐसा समझिए, ये इसको हम एक्स ले लिए, ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी बताए हैं, ये एक्स लिए है, अब ये जो है आपको पता है ये 45 डिग्री का एंगल हॉरिजेंटल से बना रहा है, तो ये आपका 45, सारा ये 90, ये 45। अब ध्यान से देखिए, इसको हम एक्स लिए हैं, तो ध्यान से देखिए इसमें इलोंगेशन क्या हो जाएगा,
ये सिर्फ हम x डैश पे ले रहे हैं, तो इसका x डैश हुआ, ये x हुआ, तो इसके वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी आ जाएगा के एक्स, किसके वजह से, समझिए कि इसको अगर नंबरिंग वन दे दे, इसको टू दे दे और इसको थ्री, तो ये किसके वजह से हुआ, ये हुआ आपका थ्री के वजह से, इतना फोर्स आया के एक्स आया। अब ध्यान से देखिए, इसमें इलोंगेशन एक्स है तो इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ये जो है आपका टू वाला पोजिशन है, ये थ्री वाला पोजिशन है और ये आपका वन वाला पोजिशन, तो अगर ये x इसमें है और ये अगर 45 डिग्री आपको दिया हुआ है तो ये 1 भी पोजीशन निकल जाएगा, ये पोजीशन आपको निकल जाएगा, ये डायरेक्ट मतलब इतना हाइट का वैल्यू आपको निकल जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर भी निकल जाएगा और ये बेस वाला भी निकलेगा, ये इस डायरेक्शन को, सिंपल सा बात है, ये जो है इसमें जो इलोंगेशन हो कंप्रेशन या इलोंगेशन जिसमें भी जो भी होगा, इसका अगर ये x लिए है, ये x है, इस डायरेक्शन में आया नीचे आए, इसको हम x लिए हैं एक्सटेड डायरेक्शन में, तो आप सारे का निकाल लीजिए, इसका x है तो ये हो जाएगा x sin थीटा, ये x हो जाएगा x sin थीटा, तो sin कितना है 45, x sin 45, मैथ के स्टूडेंट है, परपेंडिकुलर और sin थीटा इसमें ले लीजिए, sin 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर को ही हमको इसमें निकालना है वन वाले पोजीशन पे, उसको वन ले लेते हैं एक्स, कुछ देर के लिए वन ले लेते हैं उसको बाय एक्स, यहाँ से एक्स वन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, एक्स वन का वैल्यू आ जाएगा आपका एक्स साइन 45। एग्जैक्टली यही काम हम इसमें भी करेंगे, इसमें हम लेंगे कॉस थीटा, कॉस 45, इसमें आप कॉस ले लीजिए, इसमें आप साइन ले लीजिए, कॉस 45 आपको पता है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो बेस, बेस मतलब x2 बाय हाइपोटेनस दैट इज x, आप यहां से x2 निकाल लीजिए, x2 निकाल लीजिएगा तो x cos 45 आ जाएगा। अब आपको सारा चीज पता है और आपको पता है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है, तो kx लगाता है, आपको इसका इलोंगेशन सारा का पता है और k तो सारा में सेम है, तो क्या आ जाएगा kx, इसके वजह से x डायरेक्शन में kx, अब इसको इसका हो जाएगा k cos 45 या sin 45, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है, यहाँ जाएगा x sin 45 1 by root 2 exactly। अब इस दोनों का एक्चुअली मैम इस डायरेक्शन को लेके चले हैं, तो इसका 45 डिग्री और इसका 45 डिग्री, अब दोनों का हमको क्या निकालना है, दोनों का आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लीजिए, तो जब दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री पर हो, याद रखिए जब दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री पर हो, उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकालना होता है, अगर ये इस डायरेक्शन में ए है, इस डायरेक्शन में बी है, और इसको हमको समझिए कि 90 डिग्री पर दोनों हो, तो याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, एक्चुअली में इसका पूरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, एक्चुअली में थीटा 90 हो जाता है क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, तो बच जाता है आपका क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब यहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए, इसका आ जाएगा क्या, एक्चुअली में साइन और कॉस दोनों का सेम ही वैल्यू होता है, इसका रूट के अंदर आप लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे आप क्या लीजिएगा के एक्स, साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों का तो वैल्यू सेम ही आएगा, इसका आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लीजिए, देखिए kx तो इधर है ही, अब इसका देखिए cos 45, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, फोर्स तो इधर ही लगेगा ना, फोर्स ऊपर लगेगा, स्प्रिंग जो है इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन हम सबको इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, नेट रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, तो इसका इधर और इसका भी इधर, क्योंकि ये स्ट्रेस्ड होगा तो फोर्स तो कहीं इधर लगेगा ना, इस डायरेक्शन में लगेगा, उसका हम क्या लिए cos 45, इसका लिए हम cos 45, अब बाकी इसका तो इसी डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो ये आपका है सारा का निकाल लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाता है, एक का फोर्स के एक्स आ जाएगा, एक का फोर्स आ जाएगा के एक्स कॉस 45 यानी कि 1 बाय रूट 2, और एक का क्या आ जाएगा के एक्स साइन 45 यानी इसका भी नॉन रूट, अब दोनों का ले लीजिएगा, इसको इतना को ए समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा, यही आपका है आपका
और यहाँ से आप टाइम पीरियड निकल जाएगा। मेन यही निकालना था। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये आपका है 19 नंबर क्वेश्चन एस सी वर्मा का। ये समझना बहुत चैलेंजिंग है इसमें कि इस डायरेक्शन में लिए, फिर इसका 45, फिर इसका 45, फिर दोनों का रिजल्टेंट, ध्यान दे रहे हैं, इसका 45, फिर इसका 45, दोनों का फिर रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अब 45 क्यों, क्योंकि साइन 45 वहां से। अब दोनों का रिजल्टेंट याद रखिएगा, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो इस वजह से कॉस 90 जीरो हो जाता है, जिसके वजह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका था 19 नंबर। अब ये दोनों प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नॉट मच चैलेंज। अब एक इसका देखते हैं, 22 नंबर है, और आपको हम बताए थे कि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जब कंसेप्ट बता रहे थे, ये आपका 22 नंबर है कि इक्विवेलेंट क्या होगा, ध्यान से दीजिए, K1, K2, K3, ये अगर कैपिटल M है तो नीचे इस पे फोर्स लगेगा Mg, ध्यान दीजिए K1, K2, K3, तो ये किस फेज में, इसमें अलग एलोंगेशन होगा, समझिए X1 होगा, इसमें X2 होगा, इसमें X3 होगा, फोर्स जबकि सब में सेम लग रहा है, लेकिन K के अलग अलग वैल्यू के लिए इसमें अलग अलग एलोंगेशन हो, जब अलग अलग एलोंगेशन होता है तब हम बताए थे कि ये क्या होता है, पैरेलल कंप्रेशन। तो अगर आप कंसेप्ट समझे होंगे तो ये जी क्या है, सारा का X1, X2, X3 सारा का अलग अलग लग रहा है, तो आप K यहां से निकाल लीजिएगा 1/K1, 1/K2, 1/K3। K इक्विवेलेंट अगर निकल गया तो क्या हो गया, टाइम पीरियड क्या होता है 2π, अब आसान हो जाएगा 2π, यहां से आप अगर निकालिएगा तो m/k इक्विवेलेंट यहां पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा यहां टाइम पीरियड। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। पैरेलल हम कैसे पकड़े, क्योंकि तीनों में x1 x2 x3 तीनों का वैल्यू अलग अलग है, तो ये आपका आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसमें पैरेलल भी है, सीरीज भी है, अब मिक्स क्वेश्चन है, बाकी तो टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट लिख के यहां पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मिक्स है, पैरेलल भी है, सीरीज भी है, ध्यान से देखिए, K1 K2 अलग अलग है, तो इसमें जो होगा X1 होगा, समझिए K1 है, तो इसमें जो स्ट्रेच्ड होगा वो क्या होगा, सिंपल बात है X1, इसमें X2, तो X1 X2 अलग अलग आ रहा है, अलग अलग है, तो हम बताएं, अभी भी बताएं हम पैरेलल, जब X1 X2 अलग अलग आए तो समझिएगा पैरेलल, समझना है पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा, X1 X2, उसको हम कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है, इसको हम ये दोनों को, इसका रिजल्टेंट को हम वैल्यू दे देते हैं, दैट इज K4। ये पैरेलल कैसे है, ये पैरेलल इस वजह से है क्योंकि X1 और X2 अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आया तो तीनों में आया, यहाँ पे ये आ गया, तो K1 K2 आप निकाल लीजिएगा 1/K1 प्लस 1/K2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा K4। अब K4 आ गया मतलब कि समझिए कि प्रॉब्लम सिंपल हो गया, ये दोनों मिलके अब एक बना रहा है, वो आपका आ जाएगा 1। अब आगे आपका प्रॉब्लम कुछ है, K4 और K3, K4 और K3 में इलोंगेशन सेम आएगा क्योंकि दोनों साथ चलेगा, तो क्या हो जाएगा सीरीज, सो K1 K4 एंड K3 सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो यहां से आप K निकाल लीजिए और यहां से K इक्विवेलेंट, अब आएगा फाइनल K इक्विवेलेंट, दैट इज K3 प्लस K4, K3 का वैल्यू वहां से आ रहा है 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/K2, और यहां से क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में कौन आ जाएगा, ये आपका K3, ये आपका आ गया K इक्विवेलेंट आ गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, अब पुट कर दीजिए। सो इसमें हम मैक्सिमम सोचे हैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम करें, और भी बचे हुए नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।